अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोतिहारी जिला प्रशासन की विशेष पहल, विद्यार्थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कर सकेंगे तैयारी। कोरोना महामारी के चलते देश भर में शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं, ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को तैयारी में काफी दिक्कत आ रही है। इस विकट परिस्थिति में मोतिहारी जिला प्रशासन ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिससे उन्हें जरूरी मार्गदर्शन मिल सके और परीक्षार्थियों को आने वाली परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हो सके। इस मौके पर जिलाधिकारी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। यहाँ पे डीएम फॉर यूथ वेबिनार पूर्वी चंपारण मोतिहारी में ऑर्गेनाइज किया था, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी, बीपीएससी, जुडिशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, आर्म फोर्स एंड मिलिट्री सर्विसेज आल्सो, तो उनके लिए ऑनलाइन यहाँ पे मार्गदर्शन दिया जा रहा था। इसमें जो भी पैनलिस्ट थे ये लोग यूपीएससी क्वालिफाइड थे और कुछ लोग आईएएस में है, कुछ अलाइड सर्विसेज में है, तो इनके तरफ से जो उनके क्वेश्चंस का आंसर दिया जा रहा था। बेसिकली आज का जो टॉपिक था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स एंड कीप मोटिवेटेड थ्रू आउट द प्रिपरेशन ऑफ द एग्ज़ाम्स टिल यू क्वालिफाई द एग्ज़ाम, तो इसमें इनको मार्गदर्शन दिया था। तो किस तरीके से एटीट्यूड होना चाहिए, आंसर राइटिंग किस तरीके से करना चाहिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, जो वास्ट रीडिंग मटेरियल है उसमें से सही मटेरियल किस तरीके से हमको चुनना चाहिए, इसके लिए ये प्रयास था। अभी क्योंकि बहुत सारे जगह पे कोचिंग क्लासेस बंद है, उसके अलावा भी नॉर्मल स्कूल्स कॉलेजेस भी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो उसी के लिए यहाँ पे एक पढ़ाई का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पे हम उपलब्ध करा रहे हैं। प्रशासन की इस पहल पर विद्यार्थी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे हमें परीक्षाओं की तैयारी में काफ़ी मदद मिलने वाली है। ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आते हैं, उन्हें अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस मौके पर एक छात्रा कुमारी रानी ने कहा कि हमारे लिए यह काफ़ी गौरव की बात है कि हमारे ज़िले में एक ऐसे जिलाधिकारी हैं जो हम युवाओं के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और यहाँ से अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ये हम सारे नवयुवकों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। हमको बीपीएससी यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत मदद मिलने वाली है और सारे बच्चे की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास है और बहुत सारे लोग हैं जो एबल नहीं है पे करना पैसा, इसके वजह से बहुत सारे लोगों को यहाँ से जो सुविधाएं मिलेंगी उससे बहुत सारे लोगों को लाभ होगा और वो अपने करियर फ्यूचर को ब्राइट कर सकेंगे। फिलहाल तो मैं बीपीएससी का ही तैयारी कर रही हूँ और महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं वहाँ स्टडी भी कर रही हूँ लाइब्रेरी साइंस में। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे ज़िले में एक ऐसे जिलाधिकारी आए हैं जो हम युवाओं के बारे में सोच रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ से बहुत अच्छा स्कोप मिल रहा है हमें तैयारी करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।